नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुखबिर की सूचना पर मोतीनगर थाने की पुलिस ने फिर से देसी शराब को पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रायसेन की तरफ से देसी शराब लेकर एक कार सागर आ रही है, जिस पर पुलिस ने बाईपास रोड पर कार MH779 को रोका, जिसमें 3 लोग सवार थे। एक व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, बाकी के 2 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। जब पुलिस ने शराब के कागजात के बारे में पूछा तो वे इसका कोई भी जवाब न दे सके। देर रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच हुई इस कार्यवाही में पुलिस ने 14 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 70,000 रुपए आकी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैसी की यह रिपोर्ट। बने रही है द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। करीबन 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में जो है अवैध शराब लेकर जाई जा रही है। सूचना की तस्दीक पर हमारे थाने के बल से लोगों ने इसको जो है लहरा नाके के पास जो है रोका था, और रोकने के बाद उसमें जो तलाश की गई तो उसमें जो 3 लोग बैठे थे, लेकिन चूंकि अंधेरा भी था तो वहाँ एक आदमी भाग गया था, 2 आदमी पकड़े गए थे। कार की तलाशी ली गई तो उसमें 14 पेटी लाल सफ़ेद देशी शराब भरी हुई थी, जिनसे लाइसेंस के बारे में पूछताछ की, लाइसेंस ना होने पाया, जिससे 34 लोगों का अपराध सिद्ध पाए जाने से प्रथम दृष्टया उसमें कायम की गई। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी जो है अभी प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने जो बताया है, उन्होंने रायसेन से बताया है, रायसेन से उन्होंने शराब लाया।